हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह MJ डिजिटल मित्रा यूट्यूब चैनल की ओर से आज आपको एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन कोई भी अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारी ओपनिंग डेट जो है वो 25 मई 2021 से है स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट जो है हमारी 24 जून 2021 तक, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है और कौन सा ग्रुप है, ग्रेड पे क्या है, हमारे पास टोटल वैकेंसीज कितनी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे TGT हिंदी फीमेल से। देखिए यहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास TGT हिंदी फीमेल, हिंदी TGT चाहिए इनको, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बी ग्रुप है इसका। TGT हिंदी फीमेल में हमारे पास टोटल वैकेंसीज 551 है, ठीक है। और दूसरे है मेल के लिए, TGT हिंदी मेल के लिए, मेल में हमारे पास ग्रेड बी ही रहेगा एंड टोटल 556 रहेंगी। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल के लिए है ये, ठीक है। ये डिपार्टमेंट यही है, सेम डिपार्टमेंट है और 1040 पोस्ट्स हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए है इसी में TGT नेचुरल साइंस में, इनके लिए टोटल वैकेंसीज है 824 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत टाइप की वैकेंसीज है, लेकिन हम इस पर इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे। और इसके बाद आ जाएंगे हम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। ये डिपार्टमेंट अलग अलग है, याद रखना, इसमें डायरेक्ट ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है 42/21 पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट चेक कर लेना आप, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, ग्रेड बी में है ये। और उसके बाद टोटल वैकेंसीज है इसकी 434। असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही है, ग्रेड पे इसका 4200 है और ग्रेड बी में है ये, ठीक है। टोटल 74 वैकेंसीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद LDC है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली में है तो ये दिल्ली के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। सी ग्रेड में है ये। तो और टोटल वैकेंसीज है इसकी 278, ठीक है। काउंसलर की है, काउंसलर है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाता है और ग्रेड जो है हमारे पास बी ग्रेड है, ठीक है। और ग्रेड पे क्या है हमारी 4200, ठीक है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 50। हेड क्लर्क की वैकेंसीज है हमारे पास जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की है, जिसमें वैकेंसीज है हमारे पास, टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 12, ठीक है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, अब देखिए सेम है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है इसका अलग डिपार्टमेंट है, ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की वैकेंसीज है, ठीक है, जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के लिए है, जिसमें टोटल 120 पोस्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वन एंड ओनली पटवारी वैकेंसीज, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से ली जा रही है, जिसकी 10 पोस्ट हैं। तो असिस्टेंट टीचर की नर्सरी के लिए जो हमारे पास वैकेंसीज है उसमें 74 वैकेंसीज है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 है, सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45 मार्क्स, ठीक है। 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके इसमें इसके लिए, ठीक है। अगर सेकंड नंबर पे बोलता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ आर ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और BEd नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड BS इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह आपके BEd होनी चाहिए, ठीक है, नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है, ये BEd होनी चाहिए। या DLED जो भी है हमारे पास कोर्स, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है, हिंदी आपने लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए सेकेंडरी लैंग्वेज में, ठीक है। हेड क्लर्क में हमारे पास टोटल वैकेंसी 12 आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिग्री ही आएगी, कोई भी ग्रेजुएट होगा,
वो कर सकता है इसके लिए अप्लाई। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है पटवारी। पटवारी हम किस बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं? दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है, DUSIB, ठीक है, इससे हम अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसी हमारे पास 10 है, EWS से 1 है, अंडर एजुमेंट से 6 है, और OBC से 2 है, SC के लिए 1 ही है। के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इक्विवेलेंट देयर ऑफ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिजायरेबल क्या और बोल रहे हैं? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसमें आपके पास डिप्लोमा या कुछ भी होना चाहिए, डिप्लोमा होना ही चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या उर्दू, ठीक है, हिंदी या उर्दू की हमारे पास जो है नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको। एज लिमिट है हमारी 21 to 27, ठीक है। ये हमारे पास फ्री स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, जो 100 rupees फी है इसके लिए। ये एग्जम्प्टेड रहेगी इनके लिए वोमेन एंड रिजर्व्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी, ठीक है। उसमें हमारे पास 1-tier and 2-tier एग्जामिनेशन स्कीम है ये, ठीक है। 1-tier में हमारे पास ये सिलेबस आएगा, सेक्शन बी ए में आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सेकंड पार्ट आएगा इसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और सेक्शन बी में आएगा आपके बस एप्लीकेबल ओनली फॉर 1-tier टेक्निकल ओनली। सेकंड टायर में हमारे पास सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री कल्चर डेमोग्राफी जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन NCT ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। पार्ट टू में आएगा डिस्क्रिप्टिव एसे इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश। एज रिलैक्सेशन किसके लिए मिलेगी और कितने साल की मिलेगी? ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो और वहाँ से आप रजिस्टर हो सकते हो। रजिस्टर होने के लिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना और रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने साइन इन करके फॉर्म फिलअप करनी है। इसका प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब MJ डिजिटल मित्रा, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग फेस हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।